अस्सलाम वालेकुम जी, बढ़िया सनलवी से एंड यू वाचिंग अलवी लास्ट एसोसिएट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने इससे पहले पार्ट वन की जो इंग्लिश की आउटलाइन थी वो डिस्कस कर ली थी कि किस तरह से आपको इंग्लिश का जो है वो पेपर आना है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इंग्लिश का, उसी को जो है हमने स्टार्ट किया है। पहला क्वेश्चन जो है आपका स्टोरीज से रिलेटेड है, जिसमें आपकी पाँच जो है वो स्टोरीज हैं और उन पाँच स्टोरीज में से आपको चार क्वेश्चन आने हैं और चार क्वेश्चन जो हैं वो पांच पांच नंबर के होने हैं और 4 × 5 इज इक्वल टू 20। तो मतलब 20 मार्क्स का जो है आपका ये पोर्शन होगा जिसको हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज के जो लेक्चर है इसमें हम स्टोरी नंबर वन जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हैप्पी प्रिंस आपकी स्टोरी है। स्टोरी नंबर फर्स्ट पे इसको पढ़ेंगे कि ये है क्या और इसमें क्या स्टोरी में है क्या, उसके करेक्टर्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, और हम देखेंगे कि पास्ट के अंदर पिछले 5 सालों में हैप्पी प्रिंस से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं, उनके आंसर्स भी आपको यहाँ पे नोट्स की शक्ल में जो है आंसर स्क्रीन चलते हुए नज़र आएंगे और यही सेम आंसर लिखने से आपका पेपर जो है वो पेपर में क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। नॉट इवन पास्ट के पेपर्स, पास्ट के क्वेश्चंस के अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैंने नोट्स के अंदर ऐड किए हैं, वो नोट्स आपको ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहले मैं उर्दू में सारी स्टोरी बताऊंगा ताकि एक ऑर्डिनरी माइंड का जो स्टूडेंट है उसको भी समझ आ जाए कि स्टोरी में हो क्या रहा है, फिर हम इंशाल्लाह बारी बारी करेक्टर्स और देन समरी और देन क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द मेन लेक्चर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ अलवी लॉ एसोसिएट्स एज मेंशन ऑन द स्क्रीन। और बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी का नाम है द हैप्पी प्रिंस और हैप्पी प्रिंस का जो ऑथर है उसका नाम है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ने जो है ये हैप्पी प्रिंस की जो स्टोरी है इसको लिखा है। इसमें क्या है पढ़ते हैं, मेनली इसका मतलब उर्दू में पहले समझने की कोशिश करते हैं फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें समझ जाएंगे। कहते हैं हैप्पी प्रिंस ऑस्कर वाइल्ड की एक मशहूर कहानी है जिसमें एक सुनहरी मुजस्मे की दास्तान बयान की गई है। मतलब एक मुजस्मा है, एक स्टैचू है और वो उसकी कहानी के बारे में मतलब उसको बयान किया गया है, नरेट किया गया है सारा इस स्टोरी में। कहते हैं हैप्पी प्रिंस एक शहर के बीचों बीच खड़ा है, मतलब एक शहर है, सिटी है, उसके किसी एक ख़ास एरिया में हैप्पी प्रिंस का जो मुजस्मा है, जो स्टैचू है वो खड़ा है, वो उसको वहाँ पे जो है बिल्ट इन किया गया है। और वो कभी खुश व खुरम ज़िंदगी जो है वो गुजारता था, वो बादशाह था जब जिंदा था तो एक उसकी बड़ा एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड था और वो बड़ा खुश हुआ करता था, मगर अब मरने के बाद उसका मुजस्मा जो है वो लोगों की तकालीफ देख कर गमगीन हो जाता है। मतलब जब वो ज़िंदा था तो अपनी हयात में उसको जो है वो लोगों की तकालीफ नज़र नहीं आती थी, उसको अपने सुकून की टेंशन थी और वो बड़ा खुशबाश रहता था। अब जब मर गया है और उसका मुजस्मा जो है भी, वो जो मुजस्मा है उसका, वो मुजस्मा लोगों की क्योंकि वो खड़ा है एक सिटी के अंदर, तो अब वो पूरे शहर की जो तकालीफ हैं लोगों की, जो सोरोज हैं उनको अब वो फील कर रहा है, उनको अब वो देख रहा है और उसको देख के बड़ा वो गमगीन होता है कि काश इनके लिए मैं कुछ कर पाता। अच्छा जी, तो कहता है इसकी आंखों में कीमती नीलम के जवाहरात हैं और इसकी तलवार पर एक बड़ा याकूत जो है वो लगा हुआ है। तो मतलब जो उसका मुजस्मा है वो भी बड़ा वेल सेटल्ड है और उसके ऊपर भी सोने और जवाहरात का जो है वो काम हुआ हुआ है। आंखों के अंदर जो है वो कह लें कि आप नीलम के जवाहरात हैं और तलवार के ऊपर भी याकूत लगे हुए हैं। कहता वो अपने सोने के जिस्म और कीमती जवाहरात को लोगों की मदद के लिए कुर्बान कर देता है। मतलब उसके मुजस्मे के ऊपर जितना भी सोना लगा हुआ है, उसके मुजस्मे के ऊपर या उसकी तलवार के ऊपर जो भी याकूत लगे हुए हैं, वो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं लोगों पे कुर्बान करने के लिए अब तैयार है और लोगों के लिए कुर्बान करता भी है। अच्छा जी, कहता है एक छोटी सी चिड़िया उसके पैगाम पहुँचाने और कीमती पत्थर देने में उसकी मदद करती है। एक मुजस्मा है, अब वो मर गया, मतलब बंदा तो मर गया हुआ है, मुजस्मा खुद तो नहीं जा सकता है किसी के पास चल के और उसकी दुख और तकलीफ को दूर कर सकता है, तो एक चिड़िया है, एक परिंदा है, वो उस मुजस्मे के ऊपर आके बैठती है और वो चिड़िया जो है वो कभी कोई याकूत पिक करके किसी गरीब औरत के घर दे के आ रही होती है, कभी उसका नीलम आंखों का चुरा के जो है वो किसी गरीब औरत के बच्चे के लिए दे के आ रही होती है। तो इस तरह वो बारी बारी करके वो चिड़िया जो है वो उस मुजस्मे की सारे के सारे जो जवाहरात हैं उनको पिकअप कर रही है और नीडी लोगों तक पहुंचा रही है और उनके सोरोज जो है गम जो है उनको दूर कर रही है। अच्छा जी, तो कहता है आखिर में हैप्पी प्रिंस और चिड़िया दोनों मर जाते हैं।
मतलब ये जो हैप्पी प्रिंस है, इसका मुजस्मा जो है वो जब सारी चीज़ें उतरती जा रही हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो खस्ता हालत होता जा रहा है, तो ये जो मुजस्मा है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मुनहदम हो जाएगा। और जहाँ तक बात है उसकी चिड़िया की, तो वो भी बजाय इसके कि सर्दियों में वो किसी गर्म जगह पे जाए, वार्म जगह पे जाए, वहाँ पे जाके सर्वाइवल ले, वो भी क्या करती है, वो अपनी जो इसकी लॉयलिटी है, जो वफादारी है प्रिंस के साथ, उसको शो करने के लिए वहीं पर रहती है, और सर्दी और जाड़े के मौसम में भी वहीं पे स्ट्राइव हार्ड कर रही होती है, तो उसकी बदौलत ही वो भी चिड़िया भी जो है वो मर जाती है। कहते हैं लेकिन इनकी कुर्बानी को खुदा के फरिश्ते जो है वो सराहते हैं, और कहता कहानी हमें मोहब्बत, कुर्बानी के लोगों के साथ मोहब्बत, लोगों के लिए जो है वो सेक्रीफाइस और दूसरों की मदद करने की अहमियत देती है। तो मतलब अगर अगर आपको पूछा जाए कि हैप्पी प्रिंस में जो है वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं, तो अब यहाँ पे आपके पास एक मेन करेक्टर तो स्टैचूट यानी बादशाह आ गया, फिर एक चिड़िया आ गई, आगे जाके कुछ करेक्टर्स भी हम देखते हैं जिनमें डिफरेंट जो है वो लोग इसमें आते हैं, काउंसलर्स आते हैं एट्सेट्रा, तो वो करेक्टर्स, अब करेक्टर्स की तरफ जाते हैं कि हैप्पी प्रिंस जो स्टोरी है इसमें जो है वो करेक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहले है हैप्पी प्रिंस, खुशहाल शहजादा। कहता है हैप्पी प्रिंस कभी एक खुशहाल और खुशबाश शहजादा था, मतलब बड़ा ही वो खुश रहा करता था, जो अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियों में मगन था। उसके मरने के बाद उसका एक सुनहरी मुजस्मा शहर के वस्त में दरमियान में खड़ा किया गया, जिसे सोने की बारीक परत, कीमती जवाहरात और चमकदार यकूत से सजाया गया। तो मतलब बादशाह बड़ा खुश हुआ करता था लाइफ टाइम में, लेकिन अब मरने के बाद उसका शहर के दरमियान में जो है मुजस्मा बनाया गया और उसको खूब जवाहरात सा जो है वो सजाया गया। कहता है शहजादे का दिल नरम था, मतलब बड़ा वो सॉफ्ट हार्टेड था। जब वो अपने मुजस्मे से लोगों के लिए की गुर्बत और तकालीफ को देखता है, तो वो शदीद गम में मुब्तला हो जाता है, और अपने अंदर की खुशियों को बुलाकर वो अपने कीमती जवाहरात और सोने की परत जो है वो गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए चिड़िया के ज़रिए तकसीम करवाता है। तो मतलब वो जो जो जवाहरात लगे हैं उसके मुजस्मे पे, जो यकूत लगे हैं, वो सारे के सारे वो अपने जिस्म से उतरवा के चिड़िया के थ्रू नीडी लोगों के घरों में पहुँचा रहा है, जिनकी वो तकलीफ़ को बींग स्टैचू जो है वो फील कर रहा है। इसके बाद जो दूसरा करेक्टर है स्टोरी के अंदर, वो है छोटी चिड़िया, जिसको आप स्वेलो बोलते हैं। कहते हैं ये चिड़िया एक छोटा और मासूम परिंदा है, जो हैप्पी प्रिंस की कहानी में एक अहम किरदार अदा करती है। कहते हैं सर्दियों की आमद पर तमाम चिड़ियाँ मिस्र की तरफ हिजरत कर जाती हैं, मगर ये चिड़िया रास्ते में थक कर हैप्पी प्रिंस के मुजस्मे के पास ठहर जाती है। प्रिंस की दुखी हालत देखकर चिड़िया उसका पैगाम पैगंबर के तौर पे काम करती है, कि मैसेंजर के तौर पे, कि मैं इसका पैगाम लोगों तक पहुंचाया करूंगी, और इसकी हदायत पर कीमती पत्थर सोने की परत गरीब लोगों में बांटती है। अपनी जान की परवाह किए बगैर चिड़िया हैप्पी प्रिंस के साथ वफादारी निभाती है, यहाँ तक कि सर्दी की शिद्दत से वो मर जाती है। तो मतलब ये एक चिड़िया इसमें सेकेंड करेक्टर है, जो कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचूट के ऊपर आके बसेरा करती है, और हैप्पी प्रिंस जो कि लोगों के दुखों को देख रहा है, उसको उसके बारी बारी वहाँ से जवाहरात को उठाती है, उसके यकूत को उठाती है, और जो जो नीडी लोग हैं उनके घरों में जाके ये चिड़िया जो है वो जवाहरात वो यकूत वगैरह दे के आ रही है, और किंग के साथ वफादारी में ही चिड़िया जो है वो मर जाती है। देन है गरीब औरत और बच्चा। इस स्टोरी में आगे जो मजीद करेक्टर हैं वो एक पुअर लेडी है, और उस पुअर लेडी का एक बच्चा है। कहता कहानी में एक गरीब औरत का जिक्र है, जो अपने बीमार बच्चे के साथ गुर्बत और सर्दी का शिकार है। हैप्पी प्रिंस चिड़िया को अपनी आंख का नीलम देकर उस औरत की मदद के लिए भेजता है। हैप्पी प्रिंस कहता है ये मेरी आंख का नीलम ले जाओ और इस औरत को इस गरीब बच्चे के लिए दे आओ। कहता है चिड़िया नीलम ले जाकर औरत के पास रख देती है, चिड़िया जाती है वो नीलम लेके औरत के पास रख देती है, जिससे वो औरत उसका बच्चा गर्म और महफूज हो जाते हैं, तो वो नीलम को बेच के अपने सर्वाइवल के लिए कुछ कर लेती है। तो इस तरह से हैप्पी प्रिंस जो है वो चिड़िया के थ्रू औरत की नीडी वुमन की जो है वो हेल्प कर रहा है। फिर क्वेश्चन जो इसमें फोर्थ करेक्टर है वो मुसव्वर है, नौजवान है। कहता है एक और किरदार एक गरीब नौजवान मुसव्वर का है, जो सर्दी में कांपता हुआ अपने घर में बैठा हुआ और भूख से निडाल होकर हो रहा है। कहता है हैप्पी प्रिंस अपनी तलवार का यकूत, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो पुअर लेडी थी शहर के अंदर, उसकी मदद के लिए हैप्पी प्रिंस ने क्या किया? तो पुअर लेडी और उसके बच्चे के लिए हैप्पी प्रिंस ने क्या किया था? अपनी आंख का नीलम जो है वो वक्फ कर दिया था। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो गरीब नौजवान था जो कि कांप रहा था सर्दी से, उसके लिए हैप्पी प्रिंस ने क्या किया था? तो उसके लिए हैप्पी प्रिंस ने अपनी तलवार का
यकूत चिड़िया के हाथ जो है वो भेजा था ताकि वो उस नौजवान की मदद कर सके और उसके ख्वाबों की हकीकत में बदल सके। मजीद इसमें जो करेक्टर है किधर जा रहे हैं बॉस? हाँ इधर ही रहिएगा। देन है टाउन काउंसलर और दीगर शहरी, तो मतलब इसमें मजीद जो करेक्टर हैं वो टाउन के काउंसलर हैं और मजीद शहरी हैं कुछ। कहता है कहानी के आखिर में टाउन काउंसलर और दीगर शहरियों का जिक्र किया गया है जो हैप्पी प्रिंस के मुजस्मे को चमक ख़त्म होने पर उसे नकारा समझकर गिरा देते हैं, यानी जब वो देखते हैं कि जवाहरात नहीं रहे हैं, नीलम नहीं रहे हैं, खस्ता हाल हो गया है, तो उसको गिरा देते हैं। वो मुजस्मे और चिड़िया की कुर्बानी को नहीं समझ पाते और दोनों को रद्द कर देते हैं, मगर खुदा के फरिश्ते हैप्पी प्रिंस और चिड़िया की रूहों को जन्नत में ले जाते हैं कि यार इन्होंने जो है वो मुजस्मे ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने में, और चिड़िया ने वफादारी किया मुजस्मे के साथ, अपनी जान का को दाव पे लगा के हैप्पी प्रिंस के मुजस्मे के साथ वफादारी करके लोगों की ज़रूरियात महसूस करती रही है जहाँ इनकी कुर्बानियों की कदर की जाती है। तो इखलाकी सबक हमें क्या मिलता है इस स्टोरी से कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमें ज़रूरतमंदों के काम आना चाहिए, हम लोगों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। कहते हैं इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब आप लोगों के लिए जी के देखेंगे ना तो आप यकीन करें वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होगी कि आपको नींद बड़ी कमाल की आएगी, आपको गोलियां नहीं लेनी पड़ेंगी, आपकी लाइफ में सुकून होगा कि जहाँ पे आपको टेंशन नहीं होगी, आप फुल पुरसकून चिल मोल होंगे। ठीक है, तो ये कब आएगा जब दूसरे लोगों की मदद करेंगे। कह रहे ये कहानी हमें मोहब्बत, हमदर्दी और कुर्बानी की अहमियत सिखाती है और ये कि हकीकी खूबसूरती दिल की नरमी और दूसरों के लिए कुर्बानी देना है। तो मतलब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हमें सबक क्या मिलता है, लेसन क्या मिलता है हैप्पी प्रिंस से, तो यू कैन से दैट कि हैप्पी प्रिंस जो है हमें लव अफेक्शन और दूसरों की हेल्प करने का जो दर्स है सबक है देता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया उर्दू में सारा के क्या है, अब यही चीज़ें जो है इंग्लिश में एक्सप्लेन की हैं हमने कि करैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैप्पी प्रिंस है, तो हैप्पी प्रिंस का इंग्लिश में करैक्टर जो है वो सारा डिफाइन कर दिया, मेरा नहीं ख्याल पढ़ने की ज़रूरत है, आप खुद जो है वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको आ जाए कि हैप्पी प्रिंस के अंदर जो है वो हैप्पी प्रिंस का जो करैक्टर है उसको डिफाइन करें तो क्वेश्चन आपके पास बना बनाए आप एज इट इज़ 5 नंबर के लिए इसको लिख सकते हैं। कहता हैप्पी प्रिंस ही इज़ अ स्टैचूट कवर्ड इन गोल्ड एंड जेवल्स, तो मतलब वो एक स्टैचूट है और वो सोने और जवाहरात में डांपा हुआ है। व्हेन ही वाज अलाइव, जब जिंदा था, ही लिव्ड इन लग्जरी एंड डिडंट केयर मच अबाउट अदर्स, वो बड़ी शानो शौकत से जीता था और दूसरों की परवाह नहीं करता था। नाउ एज अ स्टैचू, अब जब वो मुजस्मा है, ही सीज द सफरिंग ऑफ द पुअर एंड डिसाइड टू गिव अवे ऑल हिज रिचेस टू हेल्प देम, अब वो जो है वो फील करता है उन सब की ज़रूरियात और अब वो सोचता है कि मैं अपनी तमाम तर जो चीज़ें हैं लग्जरीज हैं वो गरीबों के नाम वक्फ कर दूँ। कहता है ही शोज ट्रू काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस, उसने लोगों के लिए बड़ी मेहरबानी शो की और अपना आप ख़त्म कर दिया उनके लिए। देन स्वेलो है, स्वेलो वही चिड़िया है जिसका ऊपर जिक्र हुआ है कि वो एक छोटी सी जो है वो स्पैरो थी, बर्ड था, एक छोटा सा मासूम सा परिंदा था। हु इनिशली स्टॉप्स टू रेस्ट बाय द स्टैचू, वो स्टैचू के ऊपर जो है वो रुक गई थी। द स्वेलो बिकम्स अ प्रिंस मैसेंजर, वो बादशाह का जो है वो पैगंबर बन गई थी। कैरिंग आउट हिज विशेज टू हेल्प द पुअर, वो वहाँ से उठती थी और उसका पैगाम लेके ज़रूरतमंदों तक वो जो है पहुँचाती थी। और बूढ़ी औरत के घर में आम का नीलम दे के आई, जवान के घर में तलवार का यकूत दे के आई। तो वो चिड़िया का करेक्टर इस तरह से है। तो चिड़िया जो है वो स्टैचूट्स के साथ वफादारी निभाते हुए सर्दी की वजह से जो है वो मर गई थी। तो स्वेलो के बारे में पूछा जा सकता है कि इसने क्या शो किया था, तो इसने लॉयलिटी शो की थी, फ्रेंडशिप शो की थी, सेक्रीफाइस शो किया था कि मैं तुम्हारे साथ सिंसेयर हूँ, मैं तुम्हारे साथ जो है वो बड़ी वफादार। देन है द टाउन्स पीपल, यानी शहर के कुछ लोग थे, और वो कौन लोग थे जिन्होंने मुजस्मे की शानो शौकत जो है वो गिरती हुई देख के मुजस्मे को मुनहदम कर दिया था। देन द पुअर पीपल हैं, यानी वो लोग हैं जो गरीब थे। कहता दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड हार्डशिप, द प्रिंस एंड द स्वेलो हेल्प देम बाय गिविंग अवे द स्टैचूट ब्रिचेस, तो कुछ गरीब लोग हैं स्टोरी में जो कि नीडी थे, पुअर थे, तो स्पैरो यानी वो जो स्वेलो थी वो और जो हैप्पी प्रिंस था, उन दोनों ने बहुत ज़्यादा जो है वो मदद की इन नीडी लोगों की। देन है द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स, कुछ काउंसलर्स थे, उन्होंने क्या किया था, दे डिसमिस द स्टैचूट ऑफ द हैप्पी प्रिंस व्हेन इट लॉसेस इट्स ब्यूटी एंड इवेंचुअली ऑर्डर इट टू बी मेल्टेड डाउन शोइंग देयर शैलो वैल्यूज, तो मतलब जब मुजस्मा जो था वो खस्ता हाल हो गया तो वो जो काउंसलर्स थे, मेयर्स थे, वो लोग थे जिन्होंने ऑर्डर किया कि इसको जो है मुनहदम कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, जला दिया जाए, राख कर दिया जाए। तो ये सारा करेक्टर्स के बारे था। अब समरी अगर आपको पूछा जाती है, समरी मेन चीज़ है जिसको आपने याद करना है,
अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा तो आपने समरी को घुमा फिरा के लिख देना है, उससे आपका क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली हल हो जाता है। तो समरी हैप्पी ब्रेन्स की जो है यहाँ पे कुछ दे दी है कि सारे का सारा थीम इसमें कवर हो जाएगा। समरी ऑफ द हैप्पी ब्रेन्स कहते हैं, द हैप्पी ब्रेन्स बाय ऑस्कर वाइल्ड इज अ टचिंग स्टोरी अबाउट द मैग्निफिसेंट स्टैचू ऑफ अ प्रिंस हु वंस लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड हैप्पीनेस। एक बादशाह था जो कि बड़ी शानो शौकत से जो है अपनी जिंदगी गुजारता था। आफ्टर हिज डेथ, मौत के बाद, हिज स्टैचू कवर्ड इन गोल्ड एंड जेवल्स, उसका स्टैचू जो था, मुजस्मा जो था, उसको सोने और जवाहरात से जो है वो ढका गया। इन प्लेस्ड हाई अबाव द सिटी, और शहर के कहीं वस्त में उसको जो है वो पवस्त किया गया। फ्रॉम दिस हाई पोजिशन द प्रिंस सीज द सफरिंग एंड द पॉवर्टी ऑफ द पीपल बिलो, समथिंग ही नेवर नोटिस्ड बिफोर। कहता है उस जगह से वो शहर के अंदर चारों तरफ जो लोग हैं और उनकी जो मिजरीज हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी सफरिंग्स हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनको वो देख सकता था जो कि पहले उसने कभी नहीं देखी थी जब वो जिंदा था। कहता है अ स्वेलो हु इज़ ऑन इट्स वे टू अ वार्मर प्लेस, यानी एक स्वेलो थी जो कि गर्म इलाके की तरफ जा रही थी, लेकिन उसने जो है वो स्टैचू के ऊपर सिर्फ जो है वो पनाह ली थी फॉर टाइम बीइंग। स्टॉप्स बाय द स्टैचू टू रेस्ट, द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू हेल्प द पुअर बाय गिविंग अवे हिज गोल्ड एंड जेवल्स। लेकिन प्रिंस ने उस स्वेलो से, चिड़िया से रिक्वेस्ट की कि मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे जितने भी जवाहरात हैं, मेरे जितने भी ये जो सोना चांदी हैं, ये मेरे नीडी लोगों तक पहुँचा दो, ये मेरे पुअर लोगों तक पहुँचा दो। द स्वेलो एग्रीज एंड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिचेज टू दोज इन नीडी। तो यानी जो वो चिड़िया थी, छोटा बर्ड था, स्वेलो था, वो एग्री हो गया और उसने कहा ठीक है जी मैं ऐसा करूँगी। और उसने कभी नीलम लेके जाके दिया, कभी यकूत लेके जाके दिए। तो कहते हैं एज द प्रिंस डेकोरेशंस आर गिवन अवे हिज स्टैचूड बिकम लेस ब्यूटीफुल बट द हिज स्पिरिट रिमेन्स काइंड एंड केयरिंग। तो स्टैचूड तो था, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई जब सारे जवाहरात चले गए, यकूत चले गए, सोना चला गया, लेकिन उसकी जो काइंडनेस थी वो स्टिल जो है वो अलाइव थी। कहते द स्वेलो स्टेज बिहाइंड टू हेल्प द प्रिंस। स्वेलो जो है वो स्टिल वहाँ पर रुकी कि मैं बादशाह की जो है वो हेल्प कर सकूँ, इवन दो इट मीन्स मिसिंग इट्स माइग्रेशन। यानी चिड़िया जो है अपनी माइग्रेशन को मिस कर चुकी थी, वो जो हिजरत कर रही थी वाम इलाके की तरफ, वो अब मिस हो गई थी। इवेंचुअली नतीजा देन द स्वेलो डाइज फ्रॉम द कोल्ड, सर्दी की वजह से वो बेचारी मर गई। एंड द स्टैचूट नाउ स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स वेल्थ इज थ्रोन अवे बाय द सिटीज ऑफिशियल्स। तो जो वहाँ शहर के रहने वाले जो ऑफिशियल थे, मेयर्स थे, काउंसलर थे, उन्होंने स्टैचूड की जो अहमियत थी वो ख़त्म होने पर उसको मुनहदम कर दिया, तबाह कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। इन द एंड बोथ द प्रिंस एंड द स्वेलो आर अनर्ड इन द आफ्टर लाइफ ऑफ देयर सेल्फलेस एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड कंपेशन। लेकिन हमारा मानना ये है कि अल्लाह के पास उनका बड़ा मुकाम होगा क्योंकि उन दोनों ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, बड़ी लोगों की हेल्प की। तो ये वो सारी समरी हो गई, सारे करेक्टर्स हो गए, इन्हीं में से आ जाके आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये थोरली याद हो गया तो क्वेश्चन आपके लिए कोई अटैम्प्ट करना मुश्किल बात नहीं है। अब हम वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि पास्ट पेपर में डिफरेंट टाइम पे हैप्पी ब्रेन्स में से आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड हाउ डज वाइल्ड कन्वे इट। यानी मेन थीम क्या है हैप्पी प्रिंस का, और जो ऑस्कर वाइल्ड है उसने किस तरह से हमारे सामने इस थीम को प्रेजेंट किया। तो मेन थीम आप ऊपर कहानी पढ़ के सारी आपको समझ आ गया होगा कि मेन थीम हमदर्दी है, अफेक्शन है, लव है, और उसने कैसे रिप्रेजेंट किया है सामने, स्टैचूट के थ्रू वो सारी हमदर्दी और लव और अफेक्शन शो करके। तो ये आप आंसर हो सकता है। कहते द सेंट्रल थीम ऑफ द हैप्पी प्रिंस इज टू इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रू हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल जॉय। यानी असल खुशी क्या है उसका कंट्रास्ट है स्पिरिचुअल जॉय के साथ। कहता है वाइल्ड कन्वेज दिस थीम थ्रू द प्रिंस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लेयरस केयर फ्री रूलर टू अ कंपैशनेट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग फिगर आफ्टर हिज डेथ। कि यानी उसने ये हम तक ऐसे पहुँचाया थीम के बादशाह जो कि अपनी लाइफस्टाइल में बड़ा लेयरस था और किसी की फिक्र नहीं करता था, अब जब वो मर गया तो वो केयरलेस, अपनी जो सेल्फलेसनेस है वो उसने कर दी है, मतलब सेल्फ को ख़त्म कर दिया है और लोगों के लिए जो है वो जवाहरात और सोना सारा अपना भिजवा रहा है थ्रू स्पैरो, जिसको आप स्वेलो बोल रहे हैं। कहते द स्टोरी शोज दैट जेन्युइन हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द हेल्पिंग अदर्स एंड मेकिंग पर्सनल सेक्रीफाइसेस। असल खुशी तब आती है जब आप अपनी खुद ही को कुर्बान कर देते हैं लोगों की मदद करने के लिए। द प्रिंस विलिंगनेस टू गिव अवे हिज वेल्थ टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ द पुअर demonstrates that real fulfillment is found in acts of kindness, not in material wealth or social status.
यानी हमें पता चलता है इससे कि बादशाह के अकॉर्डिंग मतलब असल खुशी वो नहीं है जो आपको दौलत देती है या जो आपको पैसा ऐशोइशरत देती है, असल खुशी वो है जो आप लोगों के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं उससे जो मिलती है वो असल खुशी है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देन क्वेश्चन आपको बन सकता है इन द स्टोरी हैप्पी प्रिंस व्हाई वाज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी प्रिंस, प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा गया है एंड हाउ इज दिस आयरोनिक, और इसको आयरोनिक क्यों समझा जाता है, मतलब कैसे इसको तस्वीर दी गई है, हैप्पी प्रिंस जो है उसको हैप्पी क्यों कहा जा रहा है, क्यों उसको रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो कहते हैं इन इन द हैप्पी प्रिंस द प्रिंस इज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लयरी एंड प्लेयर, वो बड़ी एक जो है वो लयरस लाइफ जो है वो गुजार रहा था, बड़ी खुशी वाली जिंदगी जो है वो गुजार रहा था ऑब्वियसली टू द सफरिंग आउटसाइड हिज पैलेस। हाउ एवर ताहम दिस इज डीपली आयरोनिक, कहता है आफ्टर हिज डेथ, मौत के बाद हिज स्टैचू इज प्लेस्ड इन द सिटी, उसका जो स्टैचू था मुजस्मा था वो शहर के दरमियान जो है वो प्लेस किया गया, एंड ही लर्न अबाउट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हार्डशिप फेस बाय द पीपल, और उसने देखा कि लोग जो है बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। फार फ्रॉम बींग हैप्पी ही इज प्रोफाउंडली सैडन्ड बाय देयर प्लाइट, तो अब वो हैप्पी तो नहीं था, बड़ा गमगीन हो गया और बड़ा अफसरदा हो गया लोगों की हालत ये देख के। ही सेक्रीफाइसेस ऑल हिज वेल्थ एंड प्रेशियस ऑर्नामेंट्स टू हेल्प द नीडी, उसने अपने तमाम जो कीमती ऑर्नामेंट्स थे, साजो सामान था, जो जवाहरात थे, जो सोना था, जो यकूत थे, वो सब का सब जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया उन लोगों के लिए जो कि नीडी थे। शोइंग ट्रू कंपैशन एंड एम्पथी, असल जो हमदर्दी है उसको शो करने के लिए। द आयरनी लाइज इन द कंट्रास्ट बिटवीन हिज टाइटल एंड हिज एक्चुअल स्टेट, यानी टाइटल उसको क्या दिया गया हैप्पी प्रिंस का, और एक्चुअल स्टेट उसकी क्या थी, वो बड़ा गमगीन था, बड़ा अफसरदा था, बड़ा जो है दुखी था लोगों की हालत देख के। तो कहता है ये आयरनी मजाक उड़ाया गया, यहाँ मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ही वॉज सुपरफिशली हैप्पी इन लाइफ बट बिकेम जेन्युइनली सोरोफुल एंड सेल्फ लेस इन द डेथ, कहता है असल में मतलब आर्टिफिशली उसको कहा जा सकता है कि वो बड़ा जो है वो खुश था, लेकिन जेन्युइनली असर तौर पे देखें तो मौत के बाद वो बड़ा अफसरदा था। कहता है दिस स्टार्क डिफरेंस हाईलाइट्स वाइल्ड क्रिटिक ऑफ सोसाइटल वैल्यूज एंड अ ट्रू अ सेंस ऑफ द हैप्पीनेस। देन है द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस इज अ बिटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, तो इस पे जो है वो डिस्कस करें, तो उसका भी जो है ऑब्वियसली आंसर आपकी ऊपर वाली चीज़ों में सही है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है तो मैं इसको मतलब स्क्रीन पे चला तो देता हूँ, आंसर आपने यहाँ से खुद से कर लेना है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। देन है डिस्कस ऑस्कर वाइल्ड रोल एज अ सोशल क्रिटिक इन द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो ऑस्कर वाइल्ड जो है उसने हैप्पी प्रिंस के अंदर एक क्रिटिसिज्म किया है, उस पर जो है उसका रोल जो है उसको मैंशन करें, तो उसने एक्सपोज किया है इनइक्वालिटी को। कहते वाइल्ड यूजेज द स्टोरी to expose the vast gap between the luxurious lives of the wealthy and the serve hardship faced by the poor. yani jab zinda tha badshah to bada luxurious tha, usko pata hi nahi tha logon ke gham kya hain, logon ki hardships kya hain, lekin ab jab mara hai to ab mujasma jo hai wo feel kar raha hai ki logon ko itni zyada tangi thi. to kehta the happy prince initially a symbol of opulence and contentment becomes a figure of empathy and sacrifice after learning about the suffering around him. तो यानी पहले वो बड़ा खुशबाश ज़्यादा था, लेकिन जब उसने लोगों के बारे में ये सारी चीज़ें देखी तो बड़ा अफसरदा हो गया। This shift underscores the indifference of the rich to the plight of the less fortunate. ठीक है, तो critic of spiritual charity ये भी उसने जो है वो इसमें criticism किया है, ये भी आपने as it is देख लेना है। Then what are the moral lessons one could extract from the story? यानी हैप्पी प्रिंस से हम क्या क्या मॉरल लेसन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले है ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द सेल्फलेसनेस, यानी असल खुशी तभी आती है जब आप अपनी मैं को मार देते हैं, मैं को ख़त्म कर देते हैं। कहते द स्टोरी टीचेज दैट जेन्युइन हैप्पीनेस इज फाउंड थ्रू द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसेस। द प्रिंस हु गिव्स अवे हिज वेल्थ टू हेल्प द पुअर डिस्कवर्स रियल जॉय एंड फुलफिलमेंट अनलाइक हिज अर्लियर सुपरफिशियल हैप्पीनेस। तो पहले की जो उसकी सुपरफिशियल हैप्पीनेस थी उस सबसे ज़्यादा खुशी से तब महसूस हुई जब जो है उसने लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए सेक्रीफाइसेस किए। देन है एम्पथी एंड कंपैशन आर एसेंशियल, कि एम्पथी और कंपैशन जो है वो बड़े मतलब इंटरनल सेटिस्फैक्शन देते हैं आपको।
Rather, the story shows that importance of understanding and responding to others suffering, यानी जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की जो दुख हैं, गम हैं, उनको दूर करते हैं. द प्रिंस कंपैशन, द प्रिंस, यानी यहाँ पे जो एस है वो अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है का के की. तो यानी बादशाह का जो कंपैशन था फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए, हाईलाइट्स द नीड फॉर द एम्पथी इन आवर्स लाइफ. वो हमारी जिंदगी में एम्पथी का प्रिंसिपल जो है उसको शो करता है. देन वेल्थ एंड स्टेटस आर नॉट मेजर्स ऑफ वर्थ. देन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिंग ऑन वंस कंसाइंस. ठीक है, ये डिफरेंट लेसन हैं जो कि हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टोरी से. मजीद जो क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, वर्ड सोशल वीकनेस आर हाईलाइटेड इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड. कौन कौन सी सोशल वीकनेसेस हैं जो कि हाईलाइट की गई हैं स्टोरी में? वो हैं कि इनडिफरेंस टू पॉवर्टी है, सुपरफिशियल चैरिटी है. सुपरफिशियल चैरिटी मतलब एक मुजस्मा है और वो नीलम तक जो है वो उतार के दे रहा है, यकू तक तलवारों को जो है उतार के दे रहा है. ये सुपरफिशियल चैरिटी है, मतलब इस कदर चैरिटी आप देखेंगे नहीं जो की जा रही है. तो ये मतलब बहुत ज़्यादा. देन सोशल इनइक्वालिटी है, द स्टोरी हाईलाइटेड द डीप डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, क्रिटिसाइजिंग द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड द लैक ऑफ जेन्युइन कंसर्न फॉर द एड्रेसिंग एंड सोशल डिसएबिलिटीज. देन मॉरल कंप्लेसेंसी है, तो ये आपने देख लेना है. ये छह तरह के क्वेश्चन जो कि बोर्ड में अक्सर रिपीट हो चुके हैं वो मैंने इस स्टोरी के अंदर डिस्कस कर दिए हैं, विद करेक्टर्स, विद थीम, विद ऑल द क्वेश्चंस. जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसके अंदर मजीद मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि मजीद आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.